वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जेंगो एडमिन पैनल और सुपर यूजर के बारे में। सो गाइस, जो हमारे पास जेंगो एडमिन पैनल होता है वो हमारे पास एक बिल्ट इन वेब इंटरफेस जो है वो होता है जेंगो के अंदर। सो इसके अंदर हमें एक जीयूआई का इंटरफेस मिल जाता है जिसको यूज करके हमारी जो डेटाबेस होती है हम उसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं विदाउट इंटरेक्टिंग द डेटाबेस डायरेक्टली। सो हम डेटाबेस से डायरेक्टली इंटरेक्ट करने के बगैर ही हम उसके अंदर अगर हमें कोई चेंजेस वगैरह जो है वो करनी है, हमने कोई ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करना है, लेट से कि हमने कोई डेटा क्रिएट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, इसी तरह हमें कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है, तो हम जीयूआई को यूज करके जो हमारा एडमिन पैनल होता है उसको यूज करके वो रिकॉर्ड जो है वो ऐड कर सकते हैं जेंगो की डेटाबेस के अंदर। सो ये जो होता है ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है जब हम जेंगो का प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले जो हमें हमारी माइग्रेशन होती है डिफॉल्ट माइग्रेशन उनको जो है वो हमें रन करना पड़ता है, उसके बाद ही हम इसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। सो इसके अंदर सिर्फ जो ऑथोराइज यूजर्स होते हैं वही सिर्फ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्रिएटिंग, अपडेटिंग और डिलीटिंग रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस। इसके अलावा हम यहाँ पे यूजर के अकाउंट्स को भी जो मैनेज कर सकते हैं, यूजर की परमिशंस को और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं उनको हम इसके अंदर जो है वो मैनेज कर सकते हैं। सो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फीचर्स हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फीचर्स है वो हमारे पास है क्रड का ऑपरेशन, जिसको यूज करके हम जो है वो क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे होता है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। इसके अंदर हमारे पास ऑथेंटिकेशन जो है वो होती है बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन मैकेनिज्म होता है, इसको यूज करके हम यूजर की एक्सेस को जो है वो रिस्ट्रिक्ट जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, हमें इसका जीयूआई वगैरह चेंज करना है तो वो भी हम अपनी मर्जी के हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर हमारे पास होती है सिक्योरिटी फीचर, इसको यूज करके हमारी जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है, इसी तरह हमारे पास क्रॉस साइट रिक्वेस्ट प्रोग्रेसी हमारे पास होती है उनको जो है वो हम इससे बचा सकते हैं। सो हम देखते हैं कि हम इसको एक्सेस किस तरीके से जो है वो करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पाइचार्म के अंदर जो है वो चला जाऊंगा। सुखा जिसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक जो है वो एक सुपर यूजर जो है वो क्रिएट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड यूज करते हैं। मैं यहाँ पे करूंगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई एंड देन मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट सुपर यूजर। इसको मैं यहाँ पे इंटर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कि आप सबसे पहले अपना यूजर नेम यहाँ पे जो है वो इंटर करो, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टेस्ट यूजर, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कोई ईमेल जो है वो ऐड कर लेंगे, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा test@gmail.com, मैं यहाँ पे कर लूंगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो पासवर्ड होगा वो यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 1234 और मैं यहाँ पे दोबारा से जो है वो लिख लूंगा 1234 और मैं यहाँ पे कर लूंगा यस, तो मेरे पास जो सुपर यूजर होगा वो यहाँ पे जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमने एडमिन पैनल को जो है वो एक्सेस करना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो सर्वर है उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, में यहाँ पे जो है वो कर लूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे जो सर्वर होगा वो यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा जो सर्वर होगा वो यहाँ पे लोकल उसके ऊपर स्टार्ट हो जाएगा 8000 पोर्ट के ऊपर। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पे जो सर्वर है पेज वो यहाँ पे ब्राउजर के अंदर जो है वो ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एडमिन पैनल को जो है वो एक्सेस करना है, तो मेरे पास यहाँ पे हमारे पास URL है प्रोजेक्ट के अंदर, मैं यहाँ पे जाऊँगा माय प्रोजेक्ट के अंदर, तो मेरे पास यहाँ पे है URL, तो URL के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक URL जो डिफाइन किया हुआ है एडमिन का, तो हम इस URL को यूज करके जो एडमिन पैनल होता है उसको जो है वो एक्सेस करते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर, मैं यहाँ पे स्लैश करूंगा एडमिन, तो मेरे पास यहाँ पे जो एडमिन पैनल होगा उसका यहाँ पे फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमने जो है वो इसको एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मेरे जहाँ पे यूजर बनाया टेस्ट यूजर के नाम से, मैं यहाँ पे लिख लूंगा और जो पासवर्ड है उसको मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे पासवर्ड था 1234। मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे नाइस लुकिंग जो एडमिन पैनल है वो यहाँ पे जो है वो ओपन हो गया। तो अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे जो दो टेबल है ग्रुप्स का और यूजर्स का वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे जैसे हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो टेबल्स है बनाते रहते हैं, मॉडल्स बनाते रहते हैं, तो वो साथ में हम यहाँ पे उनको जो है वो रजिस्टर भी जो है वो करवाते रहते हैं। फिर उन मॉडल्स का जो डेटा होता है उसको हम यहाँ पे जो है वो इजीली देख सकते हैं। जैसे कि अभी मेरा यहाँ पे यूजर बनाया, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा यूजर के ऊपर, तो मेरे पास यहाँ पर यूजर मैंने बनाया उसका डेटा यहाँ पे मेरे पास जो है वो आ गया। तो मेरे पास यहाँ पे यूजर नेम है टेस्ट यूजर और उसकी जो ईमेल है वो यहाँ पे है test@gmail.com। इसके बाद मैंने यहाँ पे नया यूजर ऐड करा, तो मैं यहाँ पे ऐड यूजर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे नया यूजर भी जो है वो ऐड कर सकता हूँ इजिली। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है ग्रुप्स का टेबल, तो इसको यूज करके हमारे पास जो परमिशन वगैरह होती है उनके अंदर जो उनको जो है वो मैनेज कर सकते हैं इस टेबल को जो है वो यूज करके भी। हमारे पास यहाँ पे कोई भी ग्रुप जो नहीं बना तो हम यहाँ पे अपने जेंगो के अंदर ग्रुप्स बनाते हैं, फिर उनकी परमिशन वगैरह को जो है वो हम मैनेज जो है वो कर लेते हैं इजीली। सो इस तरीके से जो है हम जेंगो के एडमिन पैनल को जो है वो एक्सेस करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि हम इसको यूज करके डेटाबेस के जो टेबल्स होते हैं उनके साथ डायरेक्टली जो है वो इंटरेक्ट कर लेते हैं, और साथ में अगर हमें कोई चीजें जो है वो ऐड करनी है, अपडेट करनी है, डिलीट करनी है या उनको जो है वो हमने डिलीट करना है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे इस एडमिन पैनल को यूज करके जो है वो इजिली कर सकते हैं।
सो इसको यूज करने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपको जो डिफॉल्ट मैग्नेशन होती है वो यहाँ पे रन हुई हुई हो। अगर आपके पास वो रन नहीं होगी तो फिर आपका जो एडमिन पैनल होगा वो यहाँ पे जो है वो ओपन नहीं होगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने जो माइग्रेशन होती है डिफॉल्ट माइग्रेशन जो कि तब बनती है जब हमारा प्रोजेक्ट जो बनता है, तो आपने उनको जो वो माइग्रेट जो है वो कर लेना। उसके बाद आपको जो एडमिन पैनल होगा वो आपको यहाँ पे जो है उसकी एक्सेस मिलेगी, और साथ ही आपने यहाँ पे जो सुपर यूजर है उसको भी जो है वो क्रिएट कर लेना है, और फिर उसके बाद आपने उसको जो है वो यूज करके लॉग इन करके एडमिन पैनल को जो है वो एक्सेस कर लेना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।